नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं देशहित का स्पेशल बुलेटिन सीधे अयोध्या की राम की पैड़ी से। और ये राम की पैड़ी है जहां पर मैं मौजूद हूं और मात्र 3 दिन का वक्त अब बचा है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होनी है श्री राम जन्मभूमि के। इस आगे बढ़ूं मैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी तस्वीर आ रही है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की असम के तेजपुर से, जहां पर अमित शाह ने श्रमदान किया है, साफ सफाई में हिस्सा लिया है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपील की थी कि 14 जनवरी से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक अलग अलग जगहों पर सफाई अभियान चलाया जाए, उसी कड़ी में अमित शाह भी असम के तेजपुर में सफाई अभियान में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असम के तेजपुर की। गृहमंत्री अमित शाह स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं। एक बड़ा संदेश देश के लोगों को दिया जा रहा है कि किस तरह से जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो तमाम मंदिरों को, तमाम स्थानों को साफ सुथरा रखना चाहिए। और यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। हम बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने नासिक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी थी और अब गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर इस वक्त सफाई अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, अब वापस लौटते हैं अयोध्या की इस त्रेता युग वाली फीलिंग पर, क्योंकि जिस तरह से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, उससे पहले जी न्यूज़ आपको लगातार रामलला की मूर्ति दिखा रहा है और इस मूर्ति के बारे में हर एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि इस मूर्ति को देखकर हर किसी का जो हृदय है वो कोमल हो रहा है और अंदर एक बेहद खुशी यहाँ पर लोगों के मन में दिखाई दे रही है। लेकिन इस मूर्ति में क्या खास है और इस मूर्ति की खासियत क्या है, कैसे बनाई गई है, क्या क्या प्रतिमाएं इस मूर्ति में उकेरी गई हैं और क्यों रामलला की जो हाइट है वो मात्र 51 इंच की रखी गई है, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। मर्यादा की मूरत राम, जी न्यूज पर सबसे पहले दर्शन। रामलला को निहारने उनके दर्शन करने की सदियों पुरानी इच्छा और प्रतीक्षा पूरी होने वाली है। अगले 3 दिनों के भीतर अनुष्ठान के सभी कार्यक्रमों और प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों को स्वयं रामलला दर्शन देने पधार रहे हैं। लेकिन रामलला के जिस मूर्त के दर्शन के लिए राम भक्त ललायत हो रहे हैं, उसे जी न्यूज आप तक लेकर आया है। कैसे दिखते हैं राम, कैसा है उनका आभा मंडल, ये हम आपको एक एक कर बताएंगे। तमाम जितने भक्त हैं, जो भी राम भक्त हैं, जो इस जगह पे आ रहा है, उस सबको दिया जा रहा है। और मेरे साथ ये जितने भी लोग हैं, ये तमाम लोग इंदौर से आए हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, आप इंदौर से आए हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आपने लेटेस्ट तस्वीर देखी है आप लोगों ने? हाँ, अभी देखने को मिली, जी न्यूज की तरफ से देखने को मिली। कैसी लगी पहले? बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये साउथ इंडियन कल्चर की दिख रही है, बहुत शानदार है। ऐसी मूर्ति की बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसा भाव जब आपने देखा, एक भक्त का भाव होता है अपने जब आराध्य को देखता है, आपके चेहरे पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने टीका लगा रखा, क्या भाव, किस तरह के आए? भाव का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, प्रभु श्री राम है, उनके प्रति भाव है, तभी तो हम लोग 8-10 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा। उनके आशीर्वाद से यहाँ सेवा दे रहे हैं। अच्छा। इंदौर की छत्रीबाग जनसेवा समिति के माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को पोहा प्रसादी, हलवा, खिचड़ी, चाय और जितना हमसे हो सकता है 23 तारीख तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है 24 को भी करें। और भाव तो प्रभु श्री राम है, भक्तिमय है, माहौली भक्तिमय है। जय जय सिया राम। तस्वीर देखिए आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रभु के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है। और हम लोग जो आए ना, ये 500 साल बाद जो इतिहास दोहराएंगे, हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि हमारे दादा गए थे मंदिर उद्घाटन में, वहीं पे थे हम, इसीलिए हम आए कि हमारे भी जन्म जन्म के हमारे पाप धुल जाएंगे, इतिहास में दर्ज होने की, इतिहास में दर्ज हो जाएगा हमारा नाम कि ये लोग आए थे। जय सिया राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस जीवंत मूर्ति को शिल्पकार ने इतना दिव्य भव्य बनाया है कि संसार में इससे अद्भुत शायद ही कोई दूसरी मूर्ति हो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि राम लला की इस मूर्ति का आभा मंडल कैसा दिखता है। तो बता दें कि भगवान राम बाल रूप में यहाँ साक्षात दिखते हैं। राम लला का आभा मंडल बेहद दिव्य है। मस्तक के पीछे सूर्य का तेज साफ दिखता है, जबकि दाहिने हाथ में रामलला भक्तों को आशीर्वाद देते दिख रहे हैं। वहीं बाएं हाथ में रामलला के हाथ में धनुष बाण होगा। आपको बता दें कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी भी रामलला के श्री चरणों के पास बाईं ओर विराजमान हैं, जबकि भगवान विष्णु का वाहन पक्षीराज गरुड़ रामलला की मूर्ति के दाईं ओर विराजमान है।
भगवान श्री राम के इस मंदिर में लगने वाली इस मूर्ति में ऊपर की तरफ भगवान सूर्य को जगह दी गई है तो नीचे की तरफ भगवान गरुड़ और भगवान हनुमान जी को जगह दी गई है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को भी जगह दी गई है। तो इसी मूर्ति में आपको सरलता, सहजता, बालपन भी दिखाई देगा। वो तमाम गुण भगवान राम के जो कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मसात करना चाहता है, वो तमाम गुण जो भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं। इस मूर्ति के आभा मंडल के साथ साथ भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों को भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु के 10 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अलौकिक दिखाई देते हैं। यानी रामलला के साथ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अद्भुत दर्शन हो सकेंगे। खास बात ये भी है कि जहां इस मूर्ति के जरिए साक्षात राम के दर्शन हो रहे हैं, वहीं सनातन धर्म से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण चिन्ह जैसे ओम, स्वास्तिक, शंख, चक्र, गदा भी सनातन धर्म को चिन्हित कर रहे हैं। जी न्यूज पर जैसे ही राम भक्तों ने अपने रामलला के दर्शन किए, सभी भाव विभोर हो गए। जी न्यूज के माध्यम से सबसे पहले यह मूर्ति मैंने देखी है और मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे अपन त्रेता युग में आ गए हों। यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ के लोगों से मिलके, लोगों के भाव को देख के, जन सैलाब को देख के, पूछो मत आप, मतलब बताने जैसी बात ही नहीं है। अंदर अनंत भाव है, व्याख्या नहीं कर सकता मैं। ऐसा लग रहा है कि हम वापस से राम जी के दरबार में जो आए हैं, उससे वो लग रहा है कि वाकई में जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी थे। हम जो इतने साल से देख रहे हैं, इतने दिनों से देख रहे हैं, 3 मूर्ति बन रही है, ऐसी रहेगी ऐसी, हर आदमी अनुमान लगा रहा था। पर जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस जीव न्यूज ने पूरे हिंदुस्तान को पहली बार, नहीं हिंदुस्तान को नहीं, पूरे विश्व को पहली बार रामलला के दर्शन कराए। आपको बता दें कि इस मूर्ति की दिव्यता ऐसी है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। जो इंद्रियों से, मन से और नेत्रों की पहुंच से बाहर है, वो परमात्मा हमारे रूप, हमारे लिए अर्चावतार के रूप में अपने को प्रकट कर रहा है। और वो परब्रह्म परमात्मा है, केवल दशरथ नंदन नहीं, ये बताने के लिए उनके साथ दशावतार उनकी प्रभावली में विद्यमान है। उनके निग्रह और अनुग्रह की शक्ति को व्यक्त करने के लिए, उनके ईश्वर भाव को व्यक्त करने के लिए उनकी ईश्वरता के चिन्ह प्रणव उनके साथ विद्यमान है। और वो सारे चिन्ह विद्यमान हैं जो दशरथ नंदन श्री राम की ईश्वरता को हमें दिखाते हैं, हमारे सामने प्रकट करते हैं। राम मंदिर में अनुष्ठान का 4th दिन है। भगवान रामलला का अधिवास शुरू हो चुका है। आज जलाधिवास के तहत उनका सफेद वस्त्र भी हटाया गया। भगवान राम की मूर्ति का आसन मकराना संगमरमर से बना है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा जिस पर रामलला विराजेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी राम भक्त अयोध्या धाम जाकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या से विशाल पांडे और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.